इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा से ऑनलाइन सीमेंट खरीदना युवक को पड़ा महंगा। जालसाजों ने युवक से ठगे 2,80,000 रुपए। सस्ते दामों पर सीमेंट देने का दिया था झांसा। थाना सेक्टर 24 इलाके के चौड़ा गांव का मामला। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा से ऑनलाइन सीमेंट खरीदना युवक को पड़ा महंगा। जालसाजों ने युवक से ठगे 2,80,000 रुपए। सस्ते दामों पर सीमेंट देने का दिया था झांसा। नोएडा के थाना सेक्टर 24 इलाके के चौड़ा गांव का बताया जा रहा मामला। ये इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा से ऑनलाइन सीमेंट खरीदना युवक को पड़ा महंगा। जालसाजों ने युवक से ठगे 2,80,000 रुपए। सस्ते दामों पर सीमेंट देने का दिया था झांसा। थाना सेक्टर 24 इलाके के चौड़ा गांव का ये मामला। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर ये इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा से ऑनलाइन सीमेंट खरीदना युवक को पड़ा महंगा। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।